सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाक 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमिना साजिद। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताज़ा तरीन खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जिब्रान साबिर की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सगीर शाद नॉकआउट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 का आज दूसरा मैच शादाब 11 पसनी और उस्ताल वातसर के दरमियान खेला गया। शादाब 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शादाब 11 ने मुकर्ररा ओवर में 113 रन बनाए, जबकि फैसल लाल ने 23 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्ताद वातसर की तरफ से बासित अजीज ने 2 विकेट लेकर टॉप बॉलर रहे। दूसरी इनिंग्स में उस्ताद वातसर के बल्लेबाज अरशद अली वाहक की तबाहकुन बॉलिंग के सामने ढेर न सके। अरशद अली वाहक ने 3 ओवर में 14 रन देकर 5 विकेटें हासिल कर लीं। उस्ताद वातसर की तरफ से अमजद अरमान ने 12 बॉलों पर 26 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। यूं उस्ताद वातसर की पूरी टीम 78 रन पर ऑल आउट हो गई। अरशद अली वाहक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज के मेहमान खास जाहिद खान मोहम्मद थे, जिन्होंने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 5,000 रुपये का ऐलान कर दिया। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों, अपडेट्स और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पाक 99 न्यूज़ HD। अल्लाह निगेबान।